तू चिलमन बानो से या गेंदा गदरीली। या उल्फत उफ्युमा है? सॉरी। या नूरे नजर छमिया? सॉरी। ना कोई सॉरी वारी ना। अबे रोज चौकी में आओ, एक नया सॉरी, एक नया कांड, घना शौक हो रहा है तेने नहीं आने का। तो सही है, आज पूरा दिन हर 2 मिनट बाद तू बोलेगा मैं आइटम हूं, मारा नाम है छमिया। है जी? ना है जी भाई जी, कुछ नहीं, बोल के दिखाओ। मैं आइटम हूं, खुशी से विद प्राइड बोलो। आओ। राम राम मैडम। वाह, दही के कटोरे में आओ। दूध के कटोरे में भी होता अगर तो क्या कर लेता तू? अरे कोई हमका दूध पिला दो, धोबन धमकाती है। मैं आइटम हूँ, मेरा नाम छमिया है। और मैडम हमारा नाम है प्रेमी, मतलब प्रेमी पर्वत, बीवी का नाम बा शरबत। शाबाश। दरअसल हम लोग दूधगंज से आए हैं। देखिए मैडम, हम लोग काउबॉय बा। क्या काउबॉय? इस तरह का ऐसी हालत होती है काउबॉय की, पजामे और गमछे में भिखारियों की तरह। देखिए हम ग्वाला हैं, हमारे पास काव है और हम लोग बॉय हैं, तो हो गए ना काउबॉय। मैडम मैडम हमारे गांव में बहुत दूध होता है। तो फिर क्यों तरस रहा है दूध को? हाँ मैडम, दरअसल बात यह है कि सारा दूध जो है वो गांव से भतीजा लूट के ले जात बा। भतीजा? तो जाके अपने भाई को बोलो ना कि ये हरकत कर रहा है उसका बेटा। हमार भतीजा नहीं, एगो बदमाश बा, उसका नाम बा भतीजा, उसका एक गैंग भी बा। चूहे की मौसी पागल है। वो सारा दूध लूट के ले जात बा और सारा दूध का खीर बना के खात बा। मैडम हमारे गांव में कई सालों से किसी ने दूध नहीं पिया बा। मैं आइटम हूँ, मेरा नाम छमिया है। हाय हाय। अबे चुप करना यार, मैं बात कर रही हूँ, बीच में काट रहा। 2 मिनट हो गए थे जी, इसलिए। अबे जब गांव में 500 लीटर दूध बह रहा है, जब है और जो लूट मारी हो रही है भतीजा गैंग से, तो क्यों ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जा रही गांव की में? कौन सा पुलिस स्टेशन? हमारे गांव में पुलिस स्टेशन नहीं? नहीं मैडम, अरे हमारे गांव का जो पुलिस स्टेशन था ना, कोई भतीजा का पिताजी मतलब चाचा जो खुद बहुत बड़ा लुटेरा रहा, वो 1972 में वहाँ ताला लगा दिया है। गांव की पुलिस चौकी में 1972 से ताला लगा? तो ठीक है, 1972 से बंद हुई पुलिस चौकी, इब मैं खोलूंगी। भैया मैंने दूधगंज की फाइल मंगवाकर पढ़ी है, उसको स्टडी किया। 1972 से लेकर अब तक वहां जो जो पुलिस वाला गया है, वो गया तो टांगे पर है, लेकिन वापस अपनी टांगों पर नहीं आया। वेल, मुझे लग रहा है बहुत डरिस्दा, कहीं भतीजा गैंग के हाथों जाऊं ना मैं मारिस्दा। गुलगुले जी कोई आइडिया लगाइए ना। कोई आइडिया नहीं आ रहा है यार, पर वैसे भी हम हवलदार हैं, कोई इंस्पेक्टर तो है नहीं कि जाने से बच जाए।
अभी वे ये क्या नवीन तू सर बोल बे यार ये लो मिठाई खाओ। एक मिनट यार ये मिठाई किस खुशी में और तू ये हवलदार की जगह इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है? ओए मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ मेरा प्रमोशन हो गया है। यो इस खुशी में मिठाई है खाओ ऐश करो चलता हूँ मैं। ये भी इंस्पेक्टर बन गया। हाँ भाई क्या हो गया रोनी शक्ल क्यों बना रखी? तो ऐसा है कि हम सबने जाना है दूधगंज। कमिश्नर साहब से हमारी बात हो गई है हम चारों हैं गुलगुले गोप्स बिल्लू और मैं हम लोग दूधगंज जाएंगे और चौकियों का कार्यभार स्वर संभाल लेंगे। ओके क्लियर एनी कंफ्यूजन? नो गुड। हाँ हाँ मैडम मैडम मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस भतीजा गैंग को पकड़ने में आपकी मदद करूंगा ताकि मेरा भी प्रमोशन हो और मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं। मैडम आप मेरे प्रमोशन के लिए सिफारिश करेंगे ना? वेल तुझसे पहले मैं बनूंगा इंस्पेक्टर इज द क्योंकि मेरे पास है एक्सपीरियंस का ट्रैक्टर इज द है। मैं आइटम हूं मेरा नाम छमिया है। गलत प्रमोट होके इंस्पेक्टर सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा मैं क्योंकि भैया आप बुड्ढे हो चुके और गुलगुले जी आप बहुत मोटे हैं। मैडम आप प्लीज मेरी सिफारिश कीजिएगा ना कि मुझे इंस्पेक्टर बना दिया जाए फिर तो मैं बन जाऊंगा फिर इंस्पेक्टर। चकल्लस बंद करो पैकिंग करो रेडी हो जाओ तैयारी निकलना है दूधगंज समझे कि नहीं? दूध पिला दो। आई 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 पुलिस लाए हैं। आई मैडम ये मैडम ये चौकी बा झाड़ू लो और सफाई शुरू करो। वेल डू द नीड फुल इज द झाड़ू मारेगा गोल इज द है। क्या कह रहा है यार तू गोपी? मैं कल का इंस्पेक्टर हूं और मैं झाड़ू मारूंगा अच्छा लगेगा? देखो भी यार तू हवलदार है और तू हवलदार ही रहेगा तो जो काम करने आया है वो कर लेना। वेल और तुझसे नहीं होता है तो झाड़ू इससे मरवा ले। वाह और आप दोनों खड़े होके मजे लेंगे। मैं झाड़ू मारूंगा जाले निकालूंगा कल को जब मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा गुलगुले जी तो दुनिया वाले फिर यही बात करेंगे कि ये तो कल झाड़ू मारता था। मुझे नहीं सुनने दुनिया वालों के ताने। तो फिर कौन मारेगा कौन मारेगा कौन लगाएगा? अगर तो यो ना चाह रहे हो कि जो हवलदार की वर्दी पहनी है तीनों की यही उतर जाए तो जितना कहा गया उतना करो। हम लोग यहाँ गांव वालों की मदद के लिए आए हैं आपस में लड़ने भिड़ने के लिए नहीं। जो भी इस ताले को खोलने की कोशिश करेगा बहुत पछताएगा भतीजा गैंग। खीर खाऊंगा खीर खीर। चंद्रमुखी Ha 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 ha!
भतीजे के आदमी लोग आ गए। दूध में पानी मिलाओगे तो गोली खाओगे। यो भतीजा गैंग, दूध लूटने कितने बजे आ गए यहाँ गाँव में? शाम को 5 बजे मैडम, क्योंकि तब तक भैंस जो है वो दोबारा दूध दे दे पा और ये सारा दूध लेके लूट के ले जात पा। मैडम दही के कटोरे में आऊ। प्रेमी आसपास मैंने सुना माता का मंदिर से, कहाँ से क्या बताओ जरा दर्शन करके आने मन में। हाँ वाह मैडम, यही ये जो बिल्डिंग वाला इसके पीछे ऐसे मुड़ेंगे तो 20 किलोमीटर बा। हाँ नजदीक में। दही के कटोरे में आऊ। 20 किलोमीटर नजदीक। अच्छा ठीक है, 5 बजने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी और अगर तब तक भतीजा गैंग आ गया तो भाई हमारे सूरवीरों मुकाबला कर लेना। अरे केम छो बदा, ए गांव वालों मजे मजे बदा। हे बुढ़ो। क्या हुआ है, सब लोग डर क्यों गए हैं? ऐसा बंदर के जैसा मुंह लटका के क्यों खड़े हो? कभी चिंटू और पिंटू को देखा नहीं है क्या है? तबला बजे ताक दिना दिन। ए गांव वालों, जल्दी से जल्दी सारे दूध के डब्बे हमारी साइकिल में बांध दो वरना घंटी बजी टन 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 टन। नहीं टंग, दूध गंज के जितने ग्वाले और यहाँ जितने कावे हैं सब ये सोच लिए हैं कि आज के बाद एक बूंद दूध नहीं देंगे। ये हिम्मत बुढ़ो तुम्हारी। अरे वाह, याद रखो अगर भतीजा को पता चला कि तुम लोगों ने यानी कि गांव वालों ने उनके आदमियों को दूध देने के लिए मना किया है तो यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। कह दो जाके भतीजे से, कह दो कि अब हम उससे नहीं डरत बा क्योंकि अब गांव की चौकी खुल गई बा। कहाँ? दैया रे दैया, ये तो सच में चौकी खुल गई। अरे कौन लोगों से अंदर, बाहर आओ और हम लोग को है ना सलामी करो। चिंटू ये देख, ये देख, गांव वालों ने चूहों की फौज बनाई है। हमको चूहा बोलना नहीं, हम चूहे नहीं है, हम शेर है, शेर वो भी चंद्रमुखी चौटाला के शेर। हमसे जो टकराएगा इसदा मिट्टी में मिल जाएगा इसदा। और जाकर कह देना अपने भतीजा से कि अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो उसे यहीं इसी गांव में इसी मैदान में मुजरा करवाएंगे, मुजरा। अरे वाह रे वाह, बड़ी कटीली नचनिया हो रे। कुछ हुआ था क्या? हुआ नहीं था, अभी होगा। मारो सालों में। मैडम ने कहा था कि 5 बजे तक आ जाएंगी, कहाँ रह गई मैडम? कौन बचाएगा तुम्हें? मैं। कौन हो तुम?
तूफान जिसको सलामी देता है, सुनामी भी जिसके आगे हथियार डाल देती है। मुजरमों के लिए तबाही का दूसरा नाम है जो एक आग है, जो एक ज्वाला है, वो ये है और इनका नाम चंद्रमुखी चौटाला है। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से, पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली। अरे ये ठेला अपने आप कैसे चलता है? आओ बेन आओ। माफ कर दो मैडम, माफ कर दो हम लोगों को, हम लोग है ना ऐसा कभी नहीं करेंगे। आज के बाद हम इस गांव में कभी नहीं आएंगे। घंटी बोली टंटरा टंटर। जाओ जाके कह दो उस चूहे भतीजा से कि गांव में एक शेरनी आ गई है जिसने गुफा का दरवाजा खोल दिया है। अरीब अगर हिम्मत है तो आ जाए सामने, समझे? नहीं नहीं बोल देंगे, बोल जाते ही बता देंगे। अरे साइकिल नहीं अपनी, ये चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद, चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद, चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। ए बेटे आज जो आप किया है ना ये 1972 से लेके अभी तक ना हुआ था। अब आज मैं भी दूध पीऊंगा, धोबन धमकाती है। लेना आज दूध तुम भी पी लेना। मैडम आज इसी बात की खुशी में शाम को हमारे गांव में होगा जश्न, दही के कटोरे में। कितना लताड़ा भैया मैडम ने आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। इंस्पेक्टर बनने की बातें करते हैं आप, गुंडों से पिट गए आप। यार तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तेरी पूजा हुई हो, तुम्हें भी तो मम्मी ने लताड़ा था। वो ठीक है, एक बार अगर भतीजा मेरे सामने आ जाए ना भैया और मैं उसे पकड़ लूं, फिर मैडम मेरी सिफारिश करेंगी और मैं इंस्पेक्टर बना दिया जाऊंगा। अरे बुड़बक तुम्हरा के मालूम नहीं है का? अरे हम ही भतीजा हूँ। हम ही हूँ भैया। या जो पूरे गांव को नहीं पता वो हमें पता चल गया है। इस भतीजा को अगर हम दोनों पकड़कर मैडम के पास ले गए ना तो हम दोनों में से एक ना एक तो इंस्पेक्टर बन ही जाएगा। फिर जो इंस्पेक्टर बनेगा वो दूसरे को सब इंस्पेक्टर बना देगा। बोलिए डील मंजूर है? या ब्रो। तो ठीक है भैया, वैसे भी ये पीट करके खड़ा है तो मौके का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि सामने से तो हम कुछ करने लायक है नहीं। Well. चूहे की मौसी पागल है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.